हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अवकर स्टडी सेंटर। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू गाइस अबाउट मॉडर्न वर्ब अबाउट टूथ। तो बिना किसी लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मॉडर्न वर्ब पढ़ने वाले हैं, आइए समझते हैं। बताया कि अबाउट टू के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस अबाउट टू के बारे में। तो आइए, अबाउट टू क्या होता है। अबाउट टू के पहले हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया, अर्थात अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाले हैं या वाली है। किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, वाला है, वाले हैं या वाली है। और जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग इज एम और आर का इस्तेमाल करेंगे। इज एम और आर प्लस क्या कर देंगे, अबाउट टू, यानी इज एम आर प्लस अबाउट टू, वाला है, वाले हैं, वाली है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वी यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट लगेगा। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट में क्या है, वाला हूँ, वाला हूँ। तो यहाँ पे वाला है, वाली है, वाला हूँ, ठीक। तो वाला हूँ, मैं अंग्रेजी क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऐसा हो गया। उसके बाद वाला हूँ या वाले है आपका रूल हो गया। पढ़ाना ये क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, हमको सब कुछ पता चल चुका। अब हम आराम से बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट का क्या, आई हो जाएगा माई का। उसके बाद आई क्या लेता है, तो आई एम लेता है, लेता ही नहीं, तो आई एम। उसके बाद क्या होगा, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू क्या करने वाला है, पढ़ाने वाला हूँ, तो टीच इंग्लिश, आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, एक सेंटेंस बन चुका। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं हम लोग। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि आई एम नॉट अबाउट टू टीच इंग्लिश। अगला इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव में क्या कर दो, एम बाहर लाओ, एम आई अबाउट टू टीच इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट अबाउट टू टीच इंग्लिश। एक सेंटेंस का चार सेंटेंस बन चुका है। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, एम आई अबाउट टू टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाला, एम आई नॉट अबाउट टू टीच इंग्लिश। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग आज बाजार जाने वाले हैं। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, बाजार जाने वाले हैं। तो इस सेंटेंस का आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान है, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद वी हमेशा क्या लेता है, आर लेता है, तो वी आर, ठीक। उसके बाद बाजार जाना क्या, जाना क्या हो जाएगा, वी आर अबाउट टू, अबाउट टू गो टू मार्केट। वी आर अबाउट टू गो टू मार्केट, सेंटेंस बन के तैयार। हम लोग आज बाजार जाने वाले हैं। इसका निगेटिव बना लो, वी आर नॉट अबाउट टू गो टू मार्केट। इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो आर वी अबाउट टू गो टू मार्केट। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर वी नॉट अबाउट टू गो टू मार्केट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, इससे कुछ आपको सीख मिल रहा है, तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का डेली वीडियो हम इस तरह का वीडियो लेकर आते हैं स्पोकन क्लास के लिए, आपको इंग्लिश बोलवाने के लिए। तो आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एस सर अभी अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ए एस सर अभी अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ए एस सर कोई नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो मैं ही हूँ, ठीक। ए एस सर अभी अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो ए एस सर सब्जेक्ट है, तो ए एस सर का क्या हो जाएगा, ए एस सर हो जाएगा। ए एस सर क्या करने वाले हैं, तो ए एस सर नाम है, तो नाम हमेशा क्या लेता है, इज लेता है। ए एस सर इज अबाउट टू
अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। यस सर, अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। कब? तो अभी। नाउ, अभी के लिए क्या लगा दो? नाउ। यस सर, अबाउट टू स्पीक इंग्लिश नाउ। उसका इसका नेगेटिव बनो। यस सर, इज नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश नाउ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इज बाहर लाओ। इज यस सर, इज यस सर अबाउट टू, अबाउट टू स्पीक इंग्लिश नाउ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज यस सर नॉट अबाउट टू, अबाउट टू स्पीक इंग्लिश नाउ। राइट, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल लिखे हैं। सीता नाचने वाली है, तो सीता वाली है नाचने, मतलब सब्जेक्ट रोल, उसके बाद ओवर। राइट, तो सीता का सीता हो जाएगा, सीता नाम है, इज लेगा। सीता इज अबाउट टू, अबाउट टू नाचना का क्या होता है? डांस। सीता इज अबाउट टू डांस, सीता नहीं नाचने वाली है, तो क्या हो जाएगा? सीता इज नॉट अबाउट टू डांस। क्या सीता नाचने वाली है? तो इज सीता अबाउट टू डांस। क्या सीता नाचने वाली नहीं है? तो इज सीता नॉट अबाउट टू डांस। आइए, एक का चार फिर से बन चुका है। एक सेंटेंस का हम लोग चार सेंटेंस बनाते हैं। इसको आप अभी तक अगर कॉपी निकाल के नहीं लिखे तो कॉपी निकाल के लिख लीजिए। लिखने के बाद एक एक का चार बनाइए और इसके साथ आप बात कर सकते हैं। बात करने पर ही इंग्लिश आप बोल सकते हैं, बिना डिस्कशन किए इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आइए, अगला जो लास्ट है, पाँच एग्जाम्पल हमने आज लिखा है आपके लिए। तो रोहन क्रिकेट खेलने वाला है, रोहन क्या करने वाला है? क्रिकेट खेलने वाला है। तो रोहन का रोहन, रोहन नाम है तो इज लेगा। रोहन इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, रोहन इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेलने वाला है, रोहन क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? तो रोहन इज नॉट लगा दो इज के बाद, उसके बाद अबाउट टू प्ले क्रिकेट सेम उतार दो उसी तरह, प्ले क्रिकेट आगे है। क्या रोहन क्रिकेट खेलने वाला है? तो इज बाहर कर दो, इज रोहन, इज रोहन अबाउट टू प्ले क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेलने वाला नहीं है? तो इज रोहन नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट। राइट, तो देखिए एक सेंटेंस का चार सेंटेंस आज आपको मैं यहाँ से लेकर के पांच एग्जांपल दिए हैं, शुरू से लेकर के। आप इसका कॉपी निकल के पांच नहीं 500 तक बना सकते हैं अपने मन से, इसके ऊपर जान वाला है, वाली वाले के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना इच्छा इजहार करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगले जो रूल्स है उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं फिर अगला क्लास में। थैंक यू सो मच।